आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा हाशिम अहमद की खास खबर पर एक नजर। बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस प्रशासन की टीम ने कई होटलों पर छापेमारी की, जिसमें 3 जोड़े आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। छापेमारी के दौरान मालिक और नौकर भाग निकले। दरअसल मामला बिजनौर के नजीबाबाद स्टेशन रोड का है, जहां पुलिस और प्रशासन की टीम ने कई होटलों में संयुक्त छापेमारी की। इस छापेमारी में नगर के चर्चित होटल ब्लू डायमंड से 3 लड़के और 3 लड़की आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें पुलिस थाने ले गई। होटल में छापे की सूचना लगते ही होटल स्टाफ मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम ने होटल को सीज कर दिया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी सर, बताइए आज क्या मामला? आज होटल ब्लू डायमंड है नजीबाबाद थाना क्षेत्र में, यहाँ पे कुछ पहले से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी निरंतर पब्लिक के द्वारा भी और हम लोगों से। आज वहाँ पे पुलिस की एक ज्वाइंट रेड की गई है, जिसमें कुछ युवक युवतियाँ आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग पकड़े गए? 3-4 पेयर थे उसमें और बाकी अन्य लोग भी थे, होटल के स्टाफ भी हैं, सबको थाने पर ला के उनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।